ड्रेनेज अमरकंटक ठीक है सो वॉट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी एंड लैंडस्केप दैट दी ड्रेनेज पैटर्न सो अगर सॉफ्टर रॉक्स हैं वो सेंट्री वो बाहर से वो बाहर से अगर आप प्ला लेक्स की बात करें तो वो सेंट्री पीटल हो जाएगा ठीक है इन राजस्थान वेर यू हैव दीज लेक्स प्लाया लेक्स वहां पर सेंट्री पीटल ड्रेनेज हो जाएगा राइट right?

So the drainage pattern, you can start off in the introduction. You can start off that drainage pattern are determined by drainage pattern are determined by many factors. The, the seasonality of the flow of river, talk about the lithology, the hardness and the softness of the rock, arrangements of the rock, resistance. So, jab physiography ke characteristics bol hai, so isko you bad arrangement of the rock? You have to talk about the relative resistance of the rock, the hardness or the softness of the rock. ठीक है तो आपने फिजियोग्राफी को ओपन कर दिया द लैंडस्केप जब बात कर रहे हो तो बताओ उसमें कैसा स्लोप है क्या रिलीफ है क्या टोपोग्राफी है यू से दैट द ड्रेनेज पैटर्न आर इन्फ्लुएंस राइट द ड्रेनेज पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक द अरेंजमेंट ऑफ द रॉक्स हार्डनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ द रॉक अलॉन्ग डिफेक्टेड अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ द रॉक

Plus the rock of uniform lithology. You will have dendritic pattern. Soft rocks are relief bhi nahi hai, dendritic pattern. When upliftment of the mountain is slow, the first point. Second, jab upliftment of the mountain is slow. When upliftment of the mountain is slow, dhere dhere mountain hai. and rivers can cut across so that the rivers can cut across. What will we have? We will have. Antecedent 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 Himalayan drainage ante drainage pattern. We have drainage type. If you have very very old topography, जब आपकी topography बहुत बहुत पुरानी है पहले हाँ हाँ दे कट जो हिमालय रिवर्स का एग्जाम्पल हुआ है ठीक है जटसर टाइप पैटर्न क्या होता है पैटर्न यानी शेप बता रहा है रेक्टेंगुलर है इट स्ट्रेलिस में मिल रहा है पैटर्न यानी सेंट्रिक पीटल है Sorry, है है सेंट्रीफ्यूगल रेडियल भी दो टाइप्स है पैटर्न यानी ट्री शेप में तो शेप अगर समझ आता है एंटीसीडेंट एक होता है कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप उस स्लोप को फॉलो करे सो दैट इज वन सो कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट सबसिक्वेंट जो बाद में आया तो मेन रिवर आई

There is a very steep slope and you have an elongated ridge. You will have what? You will have trellis pattern. On the western side of western guards, on the western side of western guards, we have trellis pattern. The western side of the western guards, we, we have trellis. Yes. Like this. Bediti B-E-T-D-I. If we have isolated hills, what will we have?

Centripetal drainage, okay. So where do we have centripetal trellis superimposed? How is this determined? Okay. तो so India has we can start of कि India mein bahut sare drainage pattern hai numerous rivers हैं, differences hai region mein to hamare different patterns हैं, theek hai अब okay. rifting के साथ साथ कुछ चीजें आपके drainage pattern के साथ साथ कुछ चीजें associate हो जाती हैं। विधेयनीश ओके ऑफ drainage pattern, how far I can use the river? What is the river regime? Okay.

रिवर फॉर्म्स ठीक है तो फिर तो मचुरी भी डालो फिर डेल्टा भी डालो फिर गॉर्ज भी डालो कैनियन भी डालो रिवर के फॉर्म्स नहीं पूछ रही हूँ मैं पर्टिकुलरली एक पर्टिक्युलरली वर्ड पूछ रही हूँ योर ड्रेनेज पैटर्न तो अगर आप ड्रेनेज को पढ़ते हो मेन यू स्टडी दी ड्रेनेज देर आर समाइप अब आपने सेटलमेंट पढ़ा है सेटलमेंट के कुछ टाइप होते हैं सेटलमेंट के कुछ पैटर्न होते हैं सेटलमेंट का टाइप क्या होता है सेमी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्पर्स ये टाइप है

रिवर जब लैंड पे जाती है तो क्या क्या लैंड फॉर्म्स बनाती है ठीक है व्हेन वी से पैटर्न पैटर्न कैन बी ट्रेलिस पैटर्न कैन बी सेंट योर रेडियल रेडियल पैटर्न रेडियल में दो सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल ओके दीज आर पैटर्न्स क्या पैटर्न बना रही पैटर्न कैन बी डेंड्रियाटिक ट्री के जैसी दिख रही है दैट इज पैटर्न तो लैंडस्केप लैंडफॉर्म फॉर्मर रिवर्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर ड्रेनेज इज डिफरेंट

नहीं नहीं पूरे बेसिन पूरे बेसिन की बात कर रहा है यस यस नो 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 वो डेल्टा के फॉर्म्स हो गए कस्पेड डेल्टा है आरक्यू डेल्टा है बर्डफुट डेल्टा है वो डेल्टा के फॉर्म्स हैं यस यस दैट्स व्हाट आई सेड ना इफ यू लुक एट गंगा रिवर इफ आई लुक एट गंगा रिवर गंगा एसआरए ठीक है फिर है रामगंगा गोमती घाघरा गंडक पोसी महानंदा यू हैव यमुना यू हैव सोन दिख रहा है लाइक like अ ट्री ट्री के जैसे ब्रांचेस होती हैं और जो आप कह रहे हो फिर वो ये है ये जो है ये तो डेल्टा है डेल्टा के शेप हो सकते हैं क्या बर्ड फुट है क्या कस्पेड है क्या आर्क्यूड है नहीं ये सब नहीं ये कॉन्सिक्वेंट है क्योंकि स्लोप ऐसी है ये तो आती तो अमरकंटक से है तो ऐसे जा रही है तो ये स्लोप को फॉलो कर रही है भले उल्टी जाके मिल रही है उल्टी जाके मिलने का मतलब ये नहीं कि स्लोप के अगेंस्ट जाके मिली है जरूरी नहीं है कि हर उल्टी रिवर स्लोप के अगेंस्ट जाके मिली है डिपेंड स्लोप क्या है ये दिस इज एज एज अ सॉरी स ऑफ स्लोप हाँ दो तीन एग्जाम्पल आप दे सकते हो ये स, जो आपकी यमुना uh, की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल सिंध बेतवा चंबल बेतवा के ये सब एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्लोप है, है विंध्या से आ रही हैं और जाके मिल रही हैं करेक्ट तो सब कॉन्सिक्वेंट है कॉन्सिक्वेंट so, ठीक है ऑल इफ मी कैन आई मूव ऑन नाउ द थर्ड क्वेश्चन हाउ कंक्लूजन यू कैन से दैट

water if there is impact on the river regime and the flow of water that also impacts the pattern and the type in the long run and example can be interlinking of rivers it can be construction of dam etc construction of dam interlinking of the rivers <laughs>